आज मैं मौजूद हूँ जैसलमेर में और मेरे साथ में मौजूद हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपकी भारी डिमांड थी, आज मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र सिंह भाटी। भाटी जी, जैसलमेर में मैं सुबह से हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसलमेर में थोड़े सेब जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में हैं। बिल्कुल, सेब तो पूरे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में हर जगह डिमांड में है। मुझे ऐसा लगा कि भाव भी सेब का जो जैसलमेर बाड़मेर में है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है थोड़ा। वैसे भी बढ़ना ही है जनता के तासीरात जो मिल रहे। आपका रोड शो देखा, देवानंद का किसी ज़माने में गाना था वो भी याद आया, सभी ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा, क्या कहेंगे इस पर? सब सभी ने गले भी लगाया और सभी ने आशीर्वाद भी दिया और 26 तारीख को पेटियां भी फुल करवा के भेजेंगे। पहले की बात कर रहा हूँ उससे पहले की स्थितियां परिस्थितियां खूब सारी थी, तो बनी बिगड़ी तो ने बुलाया। हाँ, संवाद तो मेरे आज भी सभी से हैं, ठीक है, स्थितियां परिस्थितियां बनती रहती है। जनता का आदेश था रविंद्र मैदान में। बड़े बुजुर्गों की कहावत हुआ करती थी कि जितनी चादर उत्ते पैर, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं। हाँ, वो कहावतें भी थी बड़े बुजुर्गों की। अब मेरा सवाल ये है कि रविंद्र सिंह भाटी की डिक्शनरी में ये कहावतें हैं क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब, जनता का जो आदेश होता है रविंद्र वही करता है। लोगों का आदेश था, मैं आया। 19 में भी लोगों ने कहा था कि साहब इंडिपेंडेंट कोई आज तक जीता नहीं है, कैसे जीतोगे? मैंने कहा साहब, युवा कह रहे हैं अपने को लड़ना चाहिए, इनकी आशा के ऊपर खरा उतरना चाहिए। चुनाव लड़ने आगे आया, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, 57 साल की हिस्ट्री में पहली बार एक निर्दलीय जीत के निकल गया। विधानसभा का चुनाव आया, कई सारी स्थितियां परिस्थितियां बनी, टिकट नहीं मिल पाया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, सभी का साथ और सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो चुनाव रहा। वापस ये चुनाव आया, लोगों ने कहा चुनाव लड़ो, मैंने कहा साहब इतना बड़ा मैकेनिज्म, इतना बड़ा सिस्टम मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सिस्टम की ज़रूरत आपको नहीं है, हम करेंगे, आप तो चुनाव लड़ो, आगे आओ, चुनाव आप नहीं, चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो मैं आगे आया हूँ और आप देखिए, आम जनता ने कहा कि चुनाव लड़ो तो आगे आ गए, बड़े बड़े लोगों ने कहा मत लड़ो तो पीछे नहीं हटे। देखिए साहब, ये जनता ही है जिसने उस रविंद्र को, फर्श पे बैठे हुए रविंद्र को अर्श तक पहुँचाया है। मुझे तो इनकी बात रखनी, मार कया करे कि साहब हमारे पग में ना सांकड़ी, ये जनता रही है, कोई पार्टी इनको नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और बीच में एक युवा जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और अब तो जिद पूरी करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, अब तो 26 तारीख को मतदान तय करेगा सब कुछ, कैसे देखें इसको? मजबूती के साथ में मुझे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पूरे तरीके से आशीर्वाद देगी, अपने इस बेटे पे विश्वास जताएगी, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आने वाला 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा, और 5 साल इनके बीच में रह के इनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बीजेपी के कैलाश चौधरी कहते हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत कुछ कर देने से कोई चुनाव थोड़ी जीत जाता है। ठीक बात है, 4 तारीख को पता चल जाएगा कौन फेसबुक पे और कौन धरातल पे है। और रही बात थोड़ी बहुत, तो आपने जैसान का भी प्यार देखा, इनका आशीर्वाद देखा, तो स्थिति स्पष्ट है। अच्छा, आज आपके एक भाषण में सुनने को मिला 2.5 किलो का हाथ, थोड़ा उसके विषय में बता। हाँ, कई सारे लोग आ रहे हैं, तो बीच में सुनने में आया था कि साहब सनी देओल आ रहे हैं, तो मैंने कहा साहब उनका 2.5 किलो का हाथ है, पर हमारी ये पाव भरी जो उंगली है ना, यही काम आ जाएगी, वोट तो इसी से देना है, 2.5 किलो हाथ तो वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के जो लोग हैं, ये इन सेलिब्रिटी से, नेता या अभिनेताओं से इन्फ्लुएंस होने वाले लोग नहीं हैं, इन्होंने काल के थपेड़े खाए हैं साहब, बहुत संघर्ष किया है, इनको सब पता है कि साहब कौन हमें गुमराह कर रहा है, कौन हमारी बात कर रहा है। संघर्ष की बात आप कर रहे हो, मैं आज पूरा दिन इस धरती पर रहूँ, तपती धूप है, नीचे तपती हुई आग बरसती हुई ज़मीन है, और आँखों में लेकिन आस है लोगों के, क्या रविंद्र भाटी वो आस पूरी कर पाए? निश्चित रूप से पूरी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये चुनाव, लोगों को लग रहा होगा कि रविंद्र ये 5 साल के लिए चुनाव लड़ने आया है, मैं 5 साल के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मेरा जीवन इनको देना है, मैं इनके साथ में रह के इनकी सेवा करूँगा, मेरी आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी इस जैसाण की, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की, वो आने वाले समय में याद करनी चाहिए कि वाकई रविंद्र आया था और हमारे लिए करके गया। आपका भी रोड शो चल रहा था तो आवाज़ आ रही थी उसमें कि भाटी दिल्ली जाएगा, लाल बत्ती लाएगा। भाटी दिल्ली जाएगा, मीठा पानी ले आएगा, लाल बत्ती का शौक ही नहीं है भाटी को, लाल बत्ती का होता तो कब का स्टेट आपके चाहने वालों को है, वो उनका प्यार है, उनको कुछ नहीं कह सकते आप, वो फ्री हैं, मैं उनको कभी कुछ नहीं कहता, और उनका आशीर्वाद ही तो है, उनका वो जोश ही तो, आप सोचो कि साहब
तीन तीन चार चार घंटे इस गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में भी जो आदमी खड़ा है आपके लिए, उसको आप कभी रोक नहीं सकते और ना मैं जीवन में इनको कभी रोकूं। एक राजा था, उसकी जान तोते में बसती थी, इस राजा की जान इस जनता में बसती है। तो ये जनता कह देगी कि बत्ती लानी है तो बत्ती लग गई, मजबूती से ये जनता जो आदेश देगी उसका पालना पूरा करेगी। मीठे पानी की आपने बात कही, अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। मीठा पानी कैसे आएगा, एक लंबे समय से और पूरे राजस्थान की मांग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ERPC है, आपने ईस्टर्न राजस्थान को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, हकीकत आप देखें ना साहब, तो सबसे बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत इस थार को है, इस रेगिस्तान को है। नर्मदा जैसे प्रोजेक्ट जो 2017 में पूरे होने चाहिए थे, वो 2024 में अभी टेस्टिंग हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कैनाल, तमाम जो नहरें हैं, ये अधी अधूरी क्यों पड़ी है? क्योंकि इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कभी नहीं हुई, इनकी बात कभी देश की और प्रदेश की उस पंचायतों में कभी रखी नहीं गई। अगर रखी होती तो शायद आज स्थितियाँ ये नहीं होती। आज़ादी के 77 साल बाद में भी जहाँ हम इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम खुद को दुबई की तरफ प्रोजेक्ट कर लेंगे, पर साहब हमारे लोग अभी तक पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये पानी पहुँचाने का काम इनका छोटा भाई रविंद्र करेगा और मजबूती से धरातल पर रह के इनके सुख और दुख में साथी बन के काम करेगा। रोजगार, वो भी एक बड़ी समस्या। बहुत बड़ी समस्या है सर, बड़ी नहीं बहुत बड़ी है। वर्तमान में मैंने कई सारी चीज़ें वार्ताओं के दौर में चली भी थी, मैंने कहा भी था कि साहब स्थानीय को कम से कम 70% हमें रिजर्वेशन यहाँ पे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब आप स्किल्ड में दें, आप अनस्किल्ड में दें, कम से कम साहब छोटी छोटी जो पोस्ट हैं वहाँ पे तो हमारे लोग लगे। एक दौर था जब हमारे यहाँ पे रोज़गार नहीं था, लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाते थे, गांधीधाम जाते थे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि साहब हमारे लोग यहीं रहें, उनको रोज़गार मिले। यहाँ रह के करेंगे क्या, रहने को मकान ही नहीं है यहाँ तो। साहब अगर कमाने के लिए होगा, पैसा चार पैसा आएगा तो मकान भी बनेगा, सर पे छत भी होगी, पहनने के अच्छे कपड़े भी होंगे, खाने के लिए धान भी होगा, सब चीज़ें होगी, पर उनके लिए रोज़गार तो चाहिए ना। सब आज की डेट में लोग कहते हैं कि साहब नशा बढ़ रहा है, आज की डेट में कहते हैं सब क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भैया, खाली दिमाग शैतान का घर है, आप काम कुछ देते ही नहीं है, बढ़ेगा ही ना। आप जिस तरीके से हम चल रहे हैं और समय रहते इनकी एनर्जी को सही तरीके से पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं किया तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, दो मुद्दे तो हो गए, पानी और आपका रोजगार। आप ये बताओ मुझे इसके अलावा यहाँ के जैसलमेर और बाड़मेर की आपको और क्या एक महत्वपूर्ण कोई ऐसी वो नज़र आती है जरूरत? मैं जैसलमेर की बात करूँगा। जैसलमेर जो हमारा फोर्ट है आपने देखा होगा सोनार, तो उस फोर्ट की 300 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो पा रहा, ना कोई NOC दी पा रही है, है ना। पुरातत्व विभाग 20 तरीके की फॉर्मेलिटीज डाल के सबको डिले कर रहे हैं और 36 कौम के लोग परेशान हैं। रही बात दूसरी, जैसलमेर अपने आप में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट है, आज वर्ल्ड वाइड जैसलमेर का नाम है, पर हकीकत यह है कि यहाँ की कनेक्टिविटी इतनी ख़राब है साहब कि आप पहुँच नहीं पाएंगे। दिल्ली का आदमी अगर निकलता है ना तो जयपुर तक आते ही थक जाता, कहता है कि साहब जैसलमेर और कभी जाएंगे, अगली बार आएंगे, क्योंकि ना तो ट्रेन की आपकी कनेक्टिविटी है, ना फ्लाइट की है। फ्लाइट भी 2-3 महीने चलती है, उसके बाद में वो बंद कर देते हैं, अभी एयरपोर्ट पे लॉक लगा रखा है। हकीकत इस तरह ये है कि आप इतना बड़ा जब आपके पास है टूरिज्म स्पॉट, तो इसको क्यों नहीं आप प्रॉपर डेवलप करें। तो इसको लेके मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब यहाँ पे जहाँ हाथ डालोगे वहाँ पे 20 कमियाँ आपको मिलेगी। 2014 से कंटिन्यू यहाँ सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में सरकार है, बहुत सारे कामों की बात की जा रही है, आज भी हुई है। आज भी मुझसे जो बात हुई है उसमें कामों की बात हुई है, काम गिनाए गए हैं। अब मैं आपसे एक युवा होने के नाते ये जानना चाहता हूँ कि 2014 से आज तक की धरातल पे स्थिति क्या है? देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, पर उन्होंने जो काम गिनाए उनमें से 2-3 काम मुझे बता सकते हैं आप? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी काम किए गए संसदीय क्षेत्र मेरा है, मेरे ही नीचे आएंगे। आपने क्या किया साहब, वो तो 370 आपने थोड़े ना हटाई है, तमाम चीजें वो आपने थोड़े, आपने क्या किया, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं वहाँ वोट दिया, जब ही तो हटी। अरे भैया मतलब केरला वाला भी तो मानोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ भारतमाला बनी है, पूरे भारत में बनी है या सिर्फ बाड़मेर में बनी है? अब बताइए कहाँ बनी है, पूरे भारत में बनी ना। तो कर्नाटका केरला जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे वो नहीं है, तो वहाँ पे नहीं बनी क्या? ये कोई, मैं तो कह रहा हूँ कि सब काम बताओ ना, सब वो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मैं तो कल ये कह देता हूँ, कामों की बात करते हैं। मैं एक लोकसभा क्षेत्र में जाके आया हूँ जहाँ पे मुझे काम गिनाए गए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या वो काम आपके इलाके में हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री ने पक्के घर बनाने के लिए पैसा दिया है? क्या जैसलमेर बाड़मेर में वो पैसा दिखाई दे रहा है क्या?
सबसे ज़्यादा पेंडेंसी हमारे इस क्षेत्र में है। कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, लोग कहते हैं पैसा आया पर पैसा गया कहाँ मुझे नहीं पता। आज भी कितने घर बन गए, कितने बाकी है ये बात करें सर, बनने से ज़्यादा बाकी पड़े हैं। तो कितने बाकी हजारों में, मैं शिव की अगर बात करूं तो हजारों में आंकड़ा है, हजारों में। तो फिर बने कितने? सैकड़ों में है ना। फंड आया पर उसका सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हुई। शौचालयों की क्या स्थिति है? बने हैं। कितने? काफी बने हैं, शौचालय बने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर शौचालय बने हैं पर उनका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ। वो रख रखाव हो ही नहीं सकता जब हमारे पास पीने को पानी नहीं है, शौचालय के लिए कहाँ से? वही तो कह रहा हूँ सब, आधा अधूरा काम हो रहा है। सब होता क्या है, जनप्रतिनिधि क्यों होता है, यहाँ से चुन के जाता है वो सब आगे जो लोग जो नीति बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उनको बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ ये स्थितियाँ हैं। आप कोई भी अगर नीति अगर कोई बनाए, कोई योजना बनाए, तो कृपया करके हमारे क्षेत्र को विशेष इसमें वरीयता दें, पानी में हो तो पानी में विशेष वरीयता दें साहब। बाकी तमाम चीज़ें तो इनका काम ठीक है पर हमें ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटी होती ना। पर साहब हमारी बात करता कौन है, कौन प्रायोरिटी बताता? ये तो हकीकत है, ऑन कैमरा नहीं कहनी चाहिए, वहाँ पर जाके उबासी खाते हैं। कुछ काम किया हो तो बताओ तो सही, आज काम किया होता तो ग्रेट खली को बुलाने पड़ती क्या, कल कंगना राणा को बुला रहे हैं, क्यों भैया तुम्हारा काम ही गिना दो ना, आप अपना काम ही बता दें, क्यों न बता रही है, मैं तो नहीं बुला रहा किसी को, मैं तो जनता के बीच में बैठ के काम। उनके ग्रेट खली को बुलाने से और कंगना रनौत को बुलाने से आपको तकलीफ है क्या? मैं ये बताना चाहूँगा कि भैया तकलीफ नहीं है, ये जनता समझ रही है, मैं तो जनता की। वो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मजबूती दिखा देते हो। आप आ जाओ कबड्डी खेल लेते हैं, ये चुनाव में पता चल जाएगा 26 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, 4 तारीख को परिणाम आएगा, पेटियां खुलेगी, पता चल जाएगा कौन सोशल मीडिया पर, कौन धरातल पर, किसने जनता के बीच में रह के काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब कई सारे अभी आप कोई भाई एक मिले थे मुझे, वो कह रहे साहब इतने प्रदर्शन हुए, इतने धरने हुए। मैं कहना चाहूँगा साहब छात्र संघ का जब अध्यक्ष था उस समय विधानसभा का घेराव करके आया था उन युवाओं के लिए, वहाँ का चुनाव एक बार लड़ सकते हो चाहे जीतो चाहे हारो। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि साहब काम कर रहे हैं वो, अपने काम गिनाए। ये नेता अभिनेताओं के चक्कर में आने वाली ये बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता अब नहीं है साहब, वो जमाने गए तब जब आप हेमा मालिनी को बुलाते थे, सनी देओल को बुलाते थे, गोविंदा को बुलाते थे, अब क्या है भैया, आप काम बताओ ना, हम काम की बात करने आए हैं। बिल्कुल, तो इस बार चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पे होगा। बिल्कुल मजबूती के साथ काम बताएं, विजन बताएं। मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि आप आएं खुले मंच पे, मुझे तो एक डिबेट के अंदर बुलाया गया तो मुझे लगा कि सारे कैंडिडेट्स आए होंगे, पर बुरा लगा कि साहब कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं था। जी सर, मुझे आप ये और बता दो बस के, आज जब मैं आपके रोड शो को कवर कर रहा था तो आवाज़ आ रही थी भाटी भाटी भाटी, अब उस आवाज़ को जब आप अनकॉन्शियसली सुनते हो एकदम से कानों में पड़ती है तो आवाज मुझे मोदी मोदी जैसी लगी। फिर मैंने गौर से सुना तो मुझे महसूस हुआ है तो भाटी भाटी आवाज़ है, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ये कहता है कि वो जो साउंड है वो लगभग लगभग एक जैसा लगा, भाटी और मोदी को लंबा चौड़ा फर्क लगा नहीं आज। सब ये तो जनता का प्रेम है और मैं तो मेरा काम करता रहता हूँ, बाकी चीज़ें चलती। भविष्य में ये आवाज़ एक हो सकती है, वो भविष्य के गर्भ में आप पे भोपा तो वहाँ कुंज को पहले कहता, पर जो हो ही बढ़िया हो। तो भविष्य में एक भी हो सकती है, या रविंद्र सिंह भाटी अब इतने बड़े ब्रांड हो चुके हैं। नहीं कोई ब्रांड नहीं, आप हो चुके हो, आप नहीं मानते हो, अच्छी बात है। हो सकता है आपको आने वाले चुनाव में कुछ और प्रत्याशी आपको स्टार प्रचारक के रूप में बुला लें, जैसे खली और कंगना रनौत को बुलाया जा रहा है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या आप भविष्य में खुद का भी कुछ प्लान कर सकते हो क्या? नहीं, वो अपने काम गिनाए। ये नेता अभिनेताओं के चक्कर में आने वाली ये बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता अब नहीं है साहब, वो जमाने गए तब जब आप हेमा मालिनी को बुलाते थे, सनी देओल को बुलाते थे, गोविंदा को बुलाते थे, अब क्या है भैया, आप काम बताओ ना, हम काम की बात करने आए हैं। बिल्कुल, तो इस बार चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पे होगा। बिल्कुल मजबूती के साथ काम बताएं, विजन बताएं। मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि आप आएं खुले मंच पे, मुझे तो एक डिबेट के अंदर बुलाया गया तो मुझे लगा कि सारे कैंडिडेट्स आए होंगे, पर बुरा लगा कि साहब कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं था। जी सर, मुझे आप ये और बता दो बस के, आज जब मैं आपके रोड शो को कवर कर रहा था तो आवाज़ आ रही थी भाटी भाटी भाटी, अब उस आवाज़ को जब आप अनकॉन्शियसली सुनते हो एकदम से कानों में पड़ती है तो आवाज़ मुझे मोदी मोदी जैसी लगी। फिर मैंने गौर से सुना तो मुझे महसूस हुआ है तो भाटी भाटी आवाज़ है, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ये कहता है कि वो जो साउंड है वो लगभग लगभग एक जैसा लगा, भाटी और मोदी को लंबा चौड़ा फर्क लगा नहीं आज। सब ये तो
जनता का प्रेम है और मैं तो मेरा काम करता रहता हूँ, बाकी चीज़ें चलती। भविष्य में ये आवाज़ एक हो सकती है, वो भविष्य के गर्भ में आप भोपा तो हाँ कुंज को पहले कहता, पर जो हो ही बढ़िया हो। तो भविष्य में एक भी हो सकती है। या रविंद्र सिंह भाटी अब इतने बड़े ब्रांड हो चुके हैं? नहीं, कोई ब्रांड नहीं, नहीं आप हो चुके हो, आप नहीं मानते हो, अच्छी बात है। हो सकता है आपको आने वाले चुनावों में कुछ और प्रत्याशी आपको स्टार प्रचारक के रूप में बुला लें, जैसे खली और कंगना रनौत को बुलाया जा रहा है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या आप भविष्य में खुद का भी कुछ प्लान कर सकते हो क्या? नहीं, मैं बाड़मेर जसमेर और बालोतरा की जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मैं शिव की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी प्राथमिकता हमेशा से शिव थी, है और जीवन भर रहेगी, और साथ ही साथ बाड़मेर जसमेर और बालोतरा का इतना बड़ा परिवार जो मुझे मिला है, इसकी सेवा इनके साथ में रहकर करना चाहता हूँ। आप इनके लिए सेवा करना चाहते हो, शब्द आपने बार बार इस्तेमाल किया है, आप अगर जीत के आते हो तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैंने जैसा आपको बताया, पानी, रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन से मैं आता हूँ। एजुकेशन की कई सारी स्कीम्स एनजीओज के साथ में अलायंस करके हम कर भी रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि साहब हमारा दूर दराज एरिया है, यहाँ पे कई सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक हेल्थ की कोई सुविधा नहीं पहुँच पाई है। तो जैसे आजकल टेलीमेडिकल आ गया है ना, मतलब सब देश दुनिया में क्या चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व करके सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो। ये रहेंगी आपकी प्राथमिकता। छात्र राजनीति से जो नेता आते हैं, नेता बन जाते हैं, छात्रों को भी भूल जाते हैं और राजनीति ही राजनीति याद रह जाती है। रविंद्र सिंह भाटी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? देखो साहब, छात्र राजनीति में ना विशेष लगाव है, और मैं आज भी यूनिवर्सिटी रहूँगा, तमाम थड़िया माते बैठा करा कदम माने मौको मिला है, और जो हमारा आउनाला छोटा भाई है जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी ना बात करा करा, तो छात्र राजनीति में ना तो एक लगाव हमेशा जीवन भर रहे, और चाहूँ कि छात्र संघ चुनाव हुए ताकि नया लीडर तैयार हुए, देश दुनिया में मीना ये जनता की सेवा वास्ते नया लोग आ गया है। तो साहब, ये आप सुन रहे थे रविंद्र सिंह भाटी को। आज के इस इंटरव्यू में तीन अहम बातें निकल के आई। पहली चीज, छात्र राजनीति से जो लगाव है वो जीवन भर बना रहेगा और वो आगे भी कायम रहेगा, और मन है कि अपनी ही तरीके के छात्र नेता तैयार किए जाए। दूसरी चीज, जैसलमेर और बाड़मेर की जनता को वो सब सुविधाएं मिलें जो राजस्थान या देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र को मिलती हैं। तीसरी अहम बात, कुछ भी हो जाए इस लोकसभा क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा। साहब, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी, और आप इतने दूर पधारे, सीमांत क्षेत्र में पधारे, आपका बहुत। आपने वादा कर दिया है अगली बार जब आऊंगा तो वो मिल जाएगा मजबूती के साथ। तो अमर उजाला के लिए जैसलमेर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।